और देवरिया से एक बार फिर से बड़ी खबर लेते हैं। अभी की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है, हवाई फायरिंग हुई है, धारदार हथियार भी चलाए गए हैं, जिसमें तीन की हत्या की बात अभी तक सामने आई है। अब तक छह की निर्मम हत्या की बात सामने आ रही है। डीएम एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये मामला है। हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अब तक चार की पुष्टि हो गई है, लेकिन उनके अनुसार छह लोगों की निर्मम हत्या की गई है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जमीन विवाद का ये पूरा मामला था जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गांव में इस वक्त पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात है ताकि किसी तरह की और कोई दिक्कत वहां पर ना हो जाए। एक बड़ा मामला है, ये बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था, जमीन के विवाद में ही ये बड़ी घटना हुई है। बातचीत करने के लिए उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, अब तक खबर ये आ रही है कि छह लोगों की निर्मम हत्या की गई है, क्या पुष्टि कर दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? अपने दर्शकों को सबसे बड़ी खबर देवरिया से बताते चलें कि अब तक छह लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। इसमें कुछ लोगों को धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई है, तो वहीं कई लोगों को गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि जिला प्रशासन पूरे गांव पे नजर बनाए रखा हुआ है। यह पूरा मामला रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव का है। बताया जाता है कि प्रेम नामक युवक जो ग्राम सभा का कोई नेता था, उसने जो है कई ब्राह्मण परिवारों की जमीन जबरदस्ती लिखवा ली। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होता था, जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम हुई है। जी, जो छह लोगों की मौत हुई है उमा, सभी एक ही परिवार के हैं क्या? देखिए, इसमें अलग अलग परिवार के लोग बताए जाते हैं, तीन दूसरे पक्ष के हैं और तीन इधर पक्ष के हैं। हालांकि जिला प्रशासन अभी किसी का नाम आउट नहीं कर पा रहा है और पूरे मामले की घटना स्थल पर नजर बनाए हुए हैं। जी, ये पूरा जो पूरी घटना हुई है वो कब की घटना है? क्या सुबह हुई है या देर रात ये घटना हुई है? कब की घटना बताई जा रही है और क्या इस वक्त पूरे गांव में पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई है, जांच शुरू हो गई है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, पूरे घटनाक्रम में अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये मामला कई दिनों से चल रहा था। राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मी जो है पूरे मामले पे ढिलाई बरते हुए हैं, जिसके बाद ये छह लोगों की निर्मम हत्या हुई है। हालांकि ये जमीन का पूरा विवाद था, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात हुई है। चलिए ठीक है उमा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और पुलिस अधिकारियों की और किस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसकी जानकारी भी देंगे, रुकेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।